जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भारतीय भाई और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी जो कि भाई बहन के अटूट बंधन का प्यार का त्योहार है, तो सभी भाई बहन मिलजुल कर और प्यार से रहे। बाकी दोस्तों अब आगे मुद्दे पर आते हैं, जहां पर आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई है लाल सिंह चड्ढा, जो कि आज राखी के दिन रिलीज हुई है और लगातार बायकॉट के चलते हुए ये फिल्म रिलीज हो गई है, जो 11 अगस्त के दिन आज के दिन ये रिलीज हुई है। और तो दोस्तों आप सिनेमा घरों और हॉल की हालत देख सकते हैं किस तरह से खाली और सुनसान पड़े हैं। जी हां दोस्तों, ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप गई है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अलावा यूपी एमपी और भारत के सभी जगहों पर बिल्कुल पूरी तरह से ये फिल्म फ्लॉप गई है। और आज हमारे हिंदू भाइयों और बहनों ने दिखा दिया है कि जो भी हमारे हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाएगा, हमारे देवी देवता का मजाक उड़ाएगा, उसके साथ में यही होगा, उसका बायकॉट किया जाएगा। चाहे वे कोई भी हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे कोई सा भी हीरो हो, अगर वे हमारे हिंदू देवी देवता और हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ गलत दिखाता है तो उसका बायकॉट किया जाएगा। और आज देख सकते हो किस तरह से सुनी पड़ी है पूरे सिनेमाघर की सीटें, और ये दिखाती है कि आज घमंड टूट गया है आमिर खान का। बाकी दोस्तों आगे बात की जाए तो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को रेटिंग के मामले में 2 पॉइंट ही मिले हैं। लगातार आमिर खान और करीना कपूर ने काफी मांग की इस फिल्म को देखने पर, लेकिन जनता ने इस फिल्म को नहीं देखा, बिल्कुल बायकॉट किया इस फिल्म का और आमिर खान का। और आज आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने पर गिने चुने लोग ही आज थिएटर के अंदर और सिनेमाघरों के अंदर देखने के लिए गए, जिससे आज हिंदू की जीत होती है। और यह साबित होता है कि जो भी एक्टर और जो भी इंसान अगर हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा, कुछ भी हिंदू संस्कृति के खिलाफ करेगा, तो उसका यही हाल होगा। आज का दिन रिलीज होते ही लाल सिंह चड्ढा, जो कि आमिर खान की फिल्म है, उसने 2 से 3 करोड़ की कमाई कर पाई है, जहां पर लोगों को लग रहा कि वह फिल्म 20 से 25 करोड़ कमाएगी। पर आज बायकॉट करने के बाद में हिंदुओं ने कोई भी आज फिल्म देखने के लिए नहीं गया, और आज ये फिल्म बिल्कुल तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म को लेकर और आमिर खान को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।